नमस्कार दोस्तों, वेलकम। दोस्तों आज का जो हम लोग का ट्रिक है दोस्तों, वो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अनुक्रम है उसको याद करने का मैं ट्रिक लाया हूँ दोस्तों। एकदम लॉजिकल ट्रिक है दोस्तों, और इससे आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कौन से अक्षर जो है, कौन से वर्ण जो है, कौन से नंबर में आते हैं, है ना। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बीच बीच से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखिए देखिए ए से लेकर तो सी तक तो सबको याद रहता है दोस्तों, है ना, कि ए जो है एक में है, बी जो है दो में है, और सी जो है तीन में है, ठीक है। तो ऐसा बीच बीच का जो हम लोग देखेंगे वो जनरली सबको याद नहीं रहता है, है ना। इजोटी है माध्यम याद करने का, लेकिन हमको ऐसे याद होना चाहिए कि जैसे कोई बोल दिए कि एन जो है कौन से अक्षर में आते हैं, या कौन से नंबर में आते हैं, वो जो है कौन से नंबर में आते हैं। इसी के लिए देखते हुए दोस्तों मैं लाया हूँ ट्रिक। तो आपसे निवेदन है भाई कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग लेंगे किसको दोस्तों, पहले लेंगे हम लोग टी को, ठीक है। देखिए टी को लेते हैं पहले। टी का जो संख्या है दोस्तों, नंबर कौन से नंबर में आता है दोस्तों, वो है आपका 20, ठीक है। देखिएगा 20, तो टी फोर क्या होता है दोस्तों, टी फोर 20 लिख सकते हैं, 20 20, ठीक है। क्रिकेट में 20 20 होता है, तो इसे बना सकते हैं, है ना। जब भी आप 20 20 क्रिकेट T20 देखेंगे तो T20 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 20 20, तो टी का जो नंबर है वो कौन सा है, 20, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका S, ठीक है। S को देख लेते हैं। S को देख के ही आपको जो है 19 याद आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, संविधान में पढ़ते हैं, कॉन्स्टी में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किससे चालू होता है, आर्टिकल 19 से चालू होता है, तो स्वतंत्रता, है ना। तो उसमें S लिखा रहा है ना दोस्तों, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता 19 से चालू हो रहा है ना। तो स्वतंत्रता के अधिकार को आपको याद करना पड़ेगा, वो तो सबको याद रहता है दोस्तों कि आर्टिकल 19 से चालू है, ठीक है। तो ये S19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों आर को देख लेते हैं, कि आर को देख के ही आपको जो है 18 याद आना चाहिए, है ना। जब भी कोई पूछ दे कि आर जो है वो कौन से नंबर में आते हैं, तो 18। तो देखिए आपको इसको भी जो है संविधान से रिलेट करके देखना पड़ेगा, है ना। तो भाग 18 में है आपातकाल, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, है ना। कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति। तो भाग 18 में है, और उद्घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। तो इससे रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, आर राष्ट्रपति, है ना। हिंदी में राष्ट्रपति लिखेंगे तो राष्ट्रपति, है ना, इंग्लिश में भी राष्ट्रपति लिखेंगे तो प्रेसिडेंट लिखते हैं, लेकिन हमको राष्ट्रपति लिखना है, ठीक है। तो इसे रिलेट करके देख सकते हैं, तो भाग 18 राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों, है ना, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो आर का संख्या कौन सा दोस्तों, तो 18, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग क्यू को, ठीक है। क्यू का जो नंबर है दोस्तों वो 17 है। तो देखिए दोस्तों, क्यू को देख के ही क्या है, क्यू को देख के ही हमको जो है 17 का याद आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली दोस्तों क्यू मत बन रहा है दोस्तों, क्यू का क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन से क्या लगता है दोस्तों, हमको डर लगता है, क्वेश्चन खतरा मानते हैं, ठीक है, डर लगता है ना दोस्तों, खतरा आ गया, क्वेश्चन आ गया, खतरा आ गया। स्कूल में थे जब साइंस वाला क्वेश्चन देते थे, मैथ्स वाला क्वेश्चन देते थे बनाने के लिए, तो डर लगता था, खतरा आ गए, टीचर जो है मैथ्स वाले मैडम आ गए, खतरा आ गए, ठीक है। तो खतरा 17, ठीक है। तो क्यू क्वेश्चन आ गया, मतलब हम लोग के लिए खतरा बन गया, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। खतरा 17, तो क्यू जो है 17 नंबर में है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका पी, ठीक है। तो पी को कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए पी जो है, पी मतलब पैसा, ठीक है, पैसा। पुराने ज़माने में दोस्तों पैसा का बहुत मोल था, है ना, 16 आने भी बहुत पैसे थे, ठीक है, 16 आने भी क्या है, पैसे थे, है ना। तो माप क्या था दोस्तों, माप क्या था, 16 आने का, है ना। तो 16 आने पैसे भी बहुत बहुत पैसे थे उस समय, पुराने समय में। तो ये 16 आने, पी माने पैसा, कितना पैसा, 16 आने पैसा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ये पी जो है कौन से नंबर में आता है आपका, 16 नंबर, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं लेता हूँ दोस्तों एन को, ठीक है। देखिए एन जो है आपको कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, एन जो है 14 में आता है, कैसे, आपको एन मतलब क्या दोस्तों, न्यूक्लियर, है ना, परमाणु, ठीक है। एन मतलब दोस्तों न्यूक्लियर, और पहला जो न्यूक्लियर किस पे फेंके थे दोस्तों, जापान में, और कब फेंके थे, तो 1914 में, हमेशा के लिए बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो एन का जो नंबर है कौन सा है, 14 है, ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ओ, ठीक है। देखिए
अगर पी याद है दोस्तों तो आपको ओ हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अगर पी मतलब पैसा, 16 पैसा है, ठीक है, तो 16 तो ओ 15 हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पी याद है तो ओ आपको हमेशा के लिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओ कौन सा है दोस्तों, एक ओ का 15 है, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एन तो बता दियो दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका एल, ठीक है। एल मतलब क्या दोस्तों, एल मतलब होता है लायन, लायन मतलब शेर, ठीक है। अगर हम लोग शेर को अगर हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं शेर, ठीक है, शेर ऐसे लिखते हैं ना। अगर शेर, देखिए शेर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शेर, ठीक है। अगर शेर, शेर का संग एल का जो है वैसे संख्या 12 है, तो देखिए शेर को अगर लिखते हैं तो ये एक आ रहा है की मात्रा और ये दो जैसे दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको विपरीत कर दिए, ठीक है, पहले एक को लिख लेते हैं उसके बाद स को लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये 12 बन रहा है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो लायन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, लायन बना दिया हूँ ना, लायन, देखिए। तो शेर को लिखेंगे तो शेर में हालांकि 21 आ रहा है, लेकिन विपरीत करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो वो शेर जो है 12 दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब उसके बाद है दोस्तों आपका के को देख के ही आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, 11 याद आना चाहिए, हमेशा के लिए बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दो लकीर है दोस्तों, दो डंडी है, एक ऊपर में डंडी है, एक नीचे में डंडी है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक डंडी ऊपर में है, एक डंडी नीचे में है, है ना। तो एक और एक हम लोग बना देंगे 11, वैसे एक और एक दो होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर के में दो बस याद रखना, दिमाग में बैठाना, के में जो है दो डंडी है, एक और एक दोनों मिला के बन जाएगा दोस्तों 11, ठीक है। तो के का जो नंबर है वो कौन सा है दोस्तों, तो के का नंबर जो है वो आपका 11 है, बन जाएगा दोस्तों हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है दोस्तों आपका जे, ठीक है। जे देखिए दोस्तों, अगर इसको थोड़ा सा अगर ऊपर ऐसे लगा दिया जाए तो जीरो जीरो दिख रहा है ना दोस्तों, ठीक है, जे तो खुद जीरो जैसे दिख रहा है। अगर जे को जल्दी जल्दी लिखते हैं तो ऐसे जे लिखते हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर ऐसे और डंडे मिला दिए जाए, पूरा कर दिया जाए तो इसको जीरो जैसे, और यहाँ एक में बगल लगा दिया जाए एक, तो 10 दिख रहा है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो जे नंबर कौन सा है दोस्तों, 10, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है दोस्तों आपका आई, आई को कैसे देखेंगे, देखिए आई जो है अगर स्मॉल में लिखते हैं आई को तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, जल्दी जल्दी में ऐसे लिखते हैं, तो ये खुद ब खुद 9 है, ठीक है, खुद ब खुद ये हमको अगर स्मॉल में लिखेंगे तो हमको हमेशा के लिए याद आ जाए कि स्मॉल में तो हम लिखते हैं 9 जैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा आई का जो नंबर कौन सा है वो दोस्तों 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका जो है एच, देखिए दोस्तों H जो है हमेशा के लिए याद करने के लिए क्या है दोस्तों, जब भी आप पंप लेने जाएंगे, मोटर पंप लेने जाएंगे, तो उसमें लिखा रहता है 8 हॉर्स पावर, ठीक है, 8 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा मोटर लेना है, 8 हॉर्स पावर का, ठीक है, 8 हॉर्स पावर का। तो H का जो संख्या कौन सा है दोस्तों, 8 है, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जी, जी को देख के ही दोस्तों आपको जो है 7 याद आना चाहिए। तो इसका जो एक बैठक होता है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर, G7, ठीक है, 7 देशों का बैठक होता है G7, ठीक है, तो इसे बना सकते हैं जी, खुद बोलते 7 है, ठीक है, जब भी G7 को देखें, जी का नंबर भी 7 है और G7, ठीक है, तो जी का नंबर कौन सा है दोस्तों, संख्या 7, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है दोस्तों आपका F, F का जो नंबर है वो 6, ठीक है। तो देखिए F को देख के ही आपको जो है 6 याद आना चाहिए। तो देखिए मैच में होता है दोस्तों बॉल में फुल टॉस बॉल, ठीक है, मैच में क्या होता है दोस्तों, फुल टॉस बॉल। अब जब फुल टॉस बॉल फेंकते हैं तो कभी ना कभी दोस्तों 6 जाता है, ठीक है, 6 जाता है कि नहीं जाता दोस्तों, है ना, तो 6 जाता है, बन जाएगा दोस्तों। तो फुल टॉस, जब भी फुल टॉस बॉल फेंकेंगे तो ज़रूरी तो नहीं है, आउट भी हो सकते हैं, लेकिन आप मान सकते हैं कि F फुल टॉस बॉल फेंकी तो 6 गया, ठीक है। तो F का जो नंबर है वो कौन सा दोस्तों, 6, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हमेशा के लिए, है ना। उसके बाद है दोस्तों आपका कौन, E फॉर दोस्तों, E फॉर एलिफेंट पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या पढ़ते हैं, E फॉर ई बुक, ठीक है। जब भी अभी क्या समय दोस्तों, इंटरनेट से पढ़ने का, ठीक है, इंटरनेट से पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका है वो भी, लेकिन ई बुक पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें देखिए दोस्तों ई बुक में 5 अक्षर आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए 5 अक्षर आ रहा है ना, तो इसे रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ई का जो संख्या कौन सा है दोस्तों, 5, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद है दोस्तों आपका डी। वैसे तो दोस्तों सी फॉर कैट भी होता है, डी फॉर डॉग भी होता है, ई फॉर एलिफेंट भी होता है, लेकिन हम लोग को क्या देखना है दोस्तों, डी फॉर डॉग को देखना है। ठीक है, डॉग को क्यों देखते हैं दोस्तों, डॉग माने कुत्ता, और कुत्ता सब जगह मिलता है दोस्तों, और कुत्ता की क्या होता है दोस्तों, चार टांगे होते हैं। ठीक है, तो डी फॉर डॉग, और जब भी आप कुत्ते को देखेंगे तो उसका चार टांग को पहले देखिएगा दोस्तों, तो आपको चार टांगे मतलब डी जो है, डी का जो अंक है, डी का जो नंबर है वो कौन सा है दोस्तों, 4 है। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ए का तो बन जाएगा हमेशा के लिए आपको, है ना, ए का जो ए है, बी का जो 2 है, सी का जो 3 है ना। अब आते हैं दोस्तों इधर आपका कौन सा दोस्तों, यू। ठीक है, यू बचा है दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों यू मतलब क्या दोस्तों, यू यू का हम लोग लेते हैं दोस्तों उम्र से, उम्र उम्र। तो लड़कों का जो है अभी उम्र कितना है दोस्तों, शादी का एज 21 साल। ठीक है, तो यू से उम्र, ठीक है, हम लोग बना सकते उम्र उम्र। ठीक है, तो लड़कों का अभी एज, शादी का एज कितना साल रखे गए हैं, 21 साल। ठीक है, तो ये यू, यू का जो संख्या कितना है दोस्तों, 21, उम्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका वी। ठीक है, तो वी को देख के ही आपको दोस्तों क्या याद आना चाहिए, आपको 22 याद आना चाहिए। तो इनको कैसे देखेंगे, देखिए दोस्तों हमारे जो है भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, वी वी गिरी। ठीक है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, वी वी गिरी जी। तो इसमें दोस्तों वी डबल आ रहा है, ठीक है, वी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमको वी को 2 बार आ रहा है, तो 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना, याद रखना। वी वी गिरी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वी वी गिरी याद रहा, 2 बार वी वी लगा है, मतलब ये 2 बार बाद 2 2। ठीक है, तो ये हो गया 22। तो वी की संख्या कौन सा है दोस्तों, 22, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, के बाद है दोस्तों आपका M। ठीक है, M, M का जो नंबर है दोस्तों वो कितना है, 13 है। तो दोस्तों देखिए M को देख के ही आपको जो है 13 याद आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक है दोस्तों, बस सिंपल से याद रखिएगा दोस्तों कि आप जो है आमा खरीदने गए हैं, आम आमा है ना, तो वो 13 रुपये किलो है। ठीक है, कितना, 13 रुपये किलो है, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों आपका ये W। ठीक है, W से लेके Z तक तो सबको याद रहता है दोस्तों, ठीक है, कि जो है W आपका 23 है ना, X जो है 24 है, और Y जो है 25 है, और Z जो है 26 है। ठीक है, ये जनरली दोस्तों सबको याद रहता है, जैसे A से लेके D तक सबको याद रहता है, वैसे जो है Z लेके Z तक सबको याद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों अब दोस्तों ये है और बनाया दोस्तों, ये आप जो है डेमो के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका PDF जो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, तो आपका डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा ट्रिक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।